हावे आप लोग तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। जिस भी वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं डायरेक्ट बस स्टैंड से। तो आज तक हम जहाँ भी गए ना घूमने, या तो हम एरोप्लेन में गए, जैसे कि हम जेजू कॉन्फ्रेंस गए थे तो हम प्लेन में गए थे, हमने आपको प्लेन का सफर दिखाया था कोरिया में, ठीक है। उसके बाद KTX का भी सफर दिखाया कई बार, बट कभी भी ना मैंने आपको बस में ट्रैवल करके नहीं दिखाया शायद, हाँ जितना मुझे लगता है। तो आज हम आपको वही दिखाएंगे। तो इस बस में ट्रैवल करके हम पता कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इंचोन। इंचोन वही जगह है जहाँ से कि हम मतलब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना वो वाली जगह है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हम नहीं जा रहे, मतलब मैं भारत नहीं आ रहा हूँ, मैं इंचोन जा रहा हूँ, हम सारे लैबमेट्स इंचोन जा रहे हैं एक कॉन्फ्रेंस में। तो आज हम कॉन्फ्रेंस जाएंगे और आपको अपने साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हम आज जा रहे हैं, कल भी वहीं रहेंगे, परसों भी वहीं रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। चलते हैं इंचोन। और एक बात और बतानी थी, जैसे कि मुझे अभी पता चला था कुछ सूत्रों से कि भारत में टेम्परेचर हो रहा है 45-40, तो मैं आपको यहाँ का टेम्परेचर दिखाना चाहता हूँ, अगर आपको दिखे तो। दिख रहा है 2020। आराम है। तो वैसे तो हर जगह कोरिया में हो गया है कि आप बिना मास्क के घूम सकते हो, पर अगर आप किसी जैसे बस बस में ट्रैवल कर रहे हो या GS25 या किसी ऐसे जगह जा रहे हो ना, CU या किसी भी मतलब ऐसे स्टोर में, तो वहाँ पे आपको मास्क लगा के जाना पड़ता है। नहीं तो वो जो है वो आपसे जो शॉप पर तो बोलते हैं कि मास्क लगा लो, कि ऐसे एरिया होता है ना बंद बंद। देखो सामने वाली बस भी आ चुकी बातों बातों। जैसे बैठे हो और पड़ोसी है ना, पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो इसको खोल लो। यू एंजॉयिंग? या यू हैप्पी? आई एम एंजॉयिंग माय डॉग। दिस इज एरोप्लेन। एरोप्लेन कह रहा, दिस इज एरोप्लेन। तो भाई अभी हमें चलते हुए चलते हुए बस को हो गया 1 घंटा 20 मिनट और बस रुकी एक जगह। यहाँ पे आप क्या लिख रहा है, सुनसान देखिए क्या लिख रहा है, लिख रहा है सुनसान सर्विस एरिया। सुनसान है मतलब यहाँ पे कोई है नहीं ज्यादा। तो भाई हमारी इस बस का पैसा टिकट का प्राइस है 32,000 Korean won, 32,000 कितने हुए, 18, हाँ तो ये हो गए 2,000 करीब INR, इतना इसका किराया है। और ये हमें छोड़ देगी दोंगदेगू से, ले जाएगी सीधा इंचोन। तो भाई आपसे ये कहना चाहते थे कि हम पहुँच गए अपने होटल में। पहले हमने सोचा था कि हम आते ही आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन फिर हमें लग गई भूख तो हम आते ही सामान रख के खाने चले गए। तो हम आपको पहले करवाते हैं अपना रूम टूर, पहले क्या वही करवाते हैं, आप आ जाइए। ऐसे करके रूम खुल गया, अरे खुलते हमने इसको यहाँ लगा दिया। तो ये रूम शुरू होते ही क्या है, सबसे पहले ये वॉशरूम है सुंदर सा। अरे बेटा बंद हो जाओ ना पहले, ठीक है। दरवाज़ा ये गोल्ड का, ये गोल्ड प्लेटेड, ये दिख रहा है आपको, ये देख पा रहे हो। फिर ऐसे करके अंदर आए तो ये हमारा वॉशरूम है, सामने शीशे में हम दिख रहे हैं और सब कुछ है इसमें, जैसे कि ये है हेयर ड्रायर, सब कुछ ऐसे जैसे कि सोने का हो गया। और ये सब कुछ है नहाने धोने का। और ये जो लगे हुए हैं ना, ये इसमें क्या है, बॉडी क्लीनर, देन कंडीशनर, देन शैम्पू, सब कुछ। ओके तो अब चलते हैं आगे। और हाँ एक चीज़ तो दिखाई नहीं मेन, ये है बाथटब। तो ऐसे बाहर आते ही ये आएगा, ऐसे ये क्लोजेट है, इसमें कपड़े वपड़े डाल लो अपने, ठीक है। देन इसके बाद थोड़ा सा आगे अगर आप आओगे फिर ये हमारा बेड, इस पर सोया जा सकता है, सुंदर बेड है एकदम, राजा महाराजा जैसे वाली फील। सामने टीवी या रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। देन क्या है उसके बाद, है बहुत सारे शीशे कमरे में, देख सबसे पहले शीशा तो ये गया, उसके बाद और आगे चलेंगे, एक शीशा ये आ गया,
एक शीशा ये है और यहाँ पे बैठ सकते हो, यहाँ बैठ के अपनी बातें बातें कर लो, ठीक है। अब है ये चीज़ मेन, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ है, अरे वाह, ये देखो व्यू, इसको कहते हैं व्यू। मैं आपको दिखाता हूँ करीब से, ये देख रहे हो, ये जो है ना, ये जो नीचे सारे बने हुए हैं, ये वही जिस तरीके से यू नो पुराने टाइम में कोरिया में घर बना करते थे उसी तरीके से बने हुए सब, वो कुछ एम्बेसडर का है मैटर वहाँ पे। और ये जो सारे के सारे दिख रहे हैं आपको उधर तक, वो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ चाइनीज़ इंडियन नहीं इंडियन नहीं है सॉरी चाइनीज़ है, कोरियन है, ऐसे ऐसे, और सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सुंदर लग रहे हैं देखने में, और रात को नहीं और ज़्यादा सुंदर लगता है, मतलब मैंने सुना है। और हमारे इस होटल का नाम क्या है, मैंने बता दिया आपको, नहीं बताया, ये है द सेंट्रल पार्क होटल सोंगदो, ठीक है, समझ रहे हो। इस बार बताया हमारा कैसा सीन है, मतलब हर बार तो ऐसा होता था ना कि मतलब आपने देखा होगा शायद, तो जेजू वाले में हमने एक बड़ा सा वो ले रखा था जिसमें हम सब एक साथ रह रहे थे। इस बार हमने ऐसे किया, हमने तीन रूम लिए अलग अलग, और एक रूम अमृता का, एक रूम कुमार और राजू गाजू गज्जू का, और एक रूम में ह्योंग और मैं हैं। ये ऐसा ही सेम रूम है ह्योंग और मेरा वाला भी, बट उसका व्यू अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस रूम में बनाते हैं जिससे कि आपको वो बाहर वाला जो व्यू है ना वो अच्छा है वो दिख जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा रूम हो गया, ठीक है। वीडियो बन रही है, कबूतर की पोटी देख रहे हो तुम। आज पता क्या, जब हम कॉन्फ्रेंस आई मीन जब यहाँ पहुँचे ना, तो हम खाना खाने चले गए, फिर प्रोफेसर से फोन करके पूछा ह्योंग ने कैसे करना है, तो हम जाने वाले थे कॉन्फ्रेंस, प्रोफेसर ने कहा हिंदू तुम बताओ, लेट हो गए काफ़ी, तो इसलिए हम नहीं गए और हम आ गए फिर अपने रूम में, और मैंने आपको आके दिखा दिया अपना रूम। अब बात करते हैं पैसे की, कितने पैसे का रूम है, वो तो मेन है ना, वो तो बताना पड़ेगा ये आपको। तो वो हो गया 1,01,000 पर नाइट, मतलब कि 6,000 INR का एक रात का ये रूम है एक। What are you doing, man? I'm taking you soup. Soup. You are enjoying, huh? Yo. What is this thing? That food went nowhere. क्या? Went nowhere. जो खाया था? Why? That food is not. You just had lunch. That it doesn't get to the normal level. अभी हम लोग डिनर नहीं इट्स गुड अभी हम लंच करने गए थे, लंच तो हमने कर लिया, लेकिन ना वो होती है ना फील पेट को, मतलब हाँ भाई भर गया पेट, वैसे वैसे फील ही नहीं आई, मज़ा नहीं आया, तो इसलिए दही प्रोबायोटिक पियोगे और ये बच्चे पी रहे हैं जूस। नमस्ते नमस्ते या नमस्ते। आई लव सेंट्रल पार्क, तो जहाँ हम हैं ना इस टाइम, ये है सोंगदो सेंट्रल पार्क और हमारे होटल के एकदम ही सामने ही है। तो हमने खाना वाना खाया, डिनर विनर करा और हम आ गए भक्के यहाँ पे। फिर हम अपने फ्रेंड्स से मिलने गए थे तो वो गए थक, तो इसलिए मैं समझता रहना मगर, और वो जो पीछे हैं पानी में मछली ढूंढ रहे हैं वो मंथलबा। यहाँ पे सामने इस टाइम ना ये पानी है, बोटिंग चल रही है, आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है जो सामने छोटे छोटे चांद दिख रहे हैं ना, एक चांद दो चांद, उन सब चांदों में बोटिंग चल रही है, लोग बैठे हुए हैं और बोट चला रहे हैं। हाँ तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी हम यहाँ पे आए हैं, जगह बहुत गजब है, मतलब कि आपने थोड़ी बहुत देखी भी होगी, लेकिन एक बात एकदम दिल से आ जा रही है, मैं कहना चाहता हूँ ये कि जो मज़ा नेकेड आइस से, मतलब ऐसे देखने में है ना, डांस चल रहा या नाइस मैन, वो मज़ा वीडियो में फोटो में देखने में नहीं आएगा। आपको पीछे दिख रहे हैं ये बादल और ये सब बहुत तोड़ा है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, लेकिन वीडियो में वो बात नहीं आएगी जो बात हमें ऐसे देखने में आ रही है, ऐसे मज़ा आ रहा है। तो ये है हमारा बैग जो हमें मिला है और हमें साथ में गिफ्ट भी मिला है, दिखाऊं आपको, ये रखें खोल के दिखाऊं क्या मिला है इसमें, ऐसे मैंने खोल लिया है, इसमें हमको इन्होंने दिया है प्रीमियम गिफ्ट सेट जिसमें की है AI का 122 टूथपेस्ट और ब्रश। तो भाई इंचोन में अभी हमारी कॉन्फ्रेंस के पास एक जगह है जिसका नाम है ट्रिपल स्ट्रीट, तो अब जो आप क्लिप्स देखोगे वो सब इसी स्ट्रीट की होंगी, और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो आपने वहाँ पे देख ली होंगी पहले ही, बहुत जोर गया, छाते लग रहे हैं पूरे ऊपर दिख रहे हैं छाते।
इंटरेस्टिंग के साथ ख़त्म होती है हमारी सॉन्ग दो इंचन की कॉन्फ्रेंस और हमारा आज का सफ़र भी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट्स करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।